चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर के सातवें चैप्टर को देखने वाले हैं। सातवें चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे पहले हम लोग इस निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय जान लेते हैं, मतलब जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे देख सकते हो, मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग, मेरी बांसुरी, कोणार्क, बंदी, पहला राजा, जिन्होंने जीना चाह, बोलते छन, दशरथ ननन आदि, ये सब इनकी क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखो, इनको कालिदास अवार्ड भी पुरस्कार मिल चुका है, इन्हें बिहार राज्यसभा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये अब चैप्टर पढ़े वो क्या निबंध है, क्या है, एक ललित निबंध है। तो इस तरह से आपका ये लेखक परिचय था। अब देखिए, इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं, 13 मुख्य बातें मैं समझाया हूँ, 1 से लेकर 13, ये मेन पॉइंट है। इसी के आधार पर भी इस निबंध को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कहानी नहीं है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ये निबंध है। और इसमें सारी बातों को बारीकी से समझने के लिए कुछ पॉइंट मैं लिखा हूं, जिसको आप बेटर से देखेंगे। मतलब चलिए मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। अब देखो, पहली बात है, ये जो चैप्टर लिखी गई है, ये चंपारण की धरती पावन भूमि के लिए लिखी गई है। मतलब चंपारण की धरती से संबंधित ये चैप्टर लिखी गई, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा किसका नाम है, तो गंडक नदी का नाम इसमें लेखक बोलते हैं ओ सदानीरा। लेखक किसको बोलते हैं, गंडक नदी का नाम प्राय ओ सदानीरा, क्योंकि जो गंडक नदी है वो समय अनुसार मतलब अपने जल प्रवाह से वहां की धरती को हमेशा सींचते रहती है। इसी कारण से लेखक बोलते हैं कि जो गंडक है वो ओ सदानीरा के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गई। अब देखो, चंपारण का इतिहास यहां से देखते हैं। देखो, ओ सदानीरा मतलब ये चैप्टर चंपारण से संबंधित है। देखो, जो चंपारण की भूमि थी, वहां पर कई तरह के लोग आए, कई तरह के राजा महाराजा आए और वहां पर बसे, कई तरह के राजपूतान राजा वहां पर बने और वो क्या किए, अपना पारिवारिक वहां पर संबंध बनाए। दूसरे दूसरे मतलब देश के लोग चंपारण में आए, बस गए और यहीं के लोगों से शादी ब्याह करने लगे और यहाँ पर अपना खून का संबंध बना लिए। इस सिचुएशन को, इस रिएक्शन को, मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक प्रक्रिया या क्रिमियाई प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मतलब बाहर से लोगों का आना और अपने देश में बस जाना और यहाँ के लोगों से संबंध बनाना, खून के जैसा संबंध बना, पारिवारिक संबंध बनाना, क्रिमियाई प्रक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो ये जो चंपारण की भूमि है, यह गौतम बुद्ध की कर्मस्थली है। मतलब यहीं पर अपना वो कार्य संपन्न किए थे और साथ में महावीर भगवान महावीर का ये जन्म स्थली भी है। यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ, तो यहाँ पर चंपारण की भूमि पर। उसके बाद देखी जाए तो 12वीं सदी में लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का जो शासन था, मतलब वहां पर चला था। लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का वहां पर शासन चला था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, दूसरे दूसरे देश का राजा महाराजा लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर यात्रा किए, भ्रमण किए, यहाँ पर बस गए, कुछ लोग बाहर से आए बस गए और बसने के बाद यहाँ पर अपना पारिवारिक संबंध स्थापित किए। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्रिमियाई प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रथम राजा नान्यदेव, कर्नाट वंश का जो प्रथम राजा वो कौन था, नान्यदेव था। उसके अलावा भी तरह तरह के शासक आए और यहाँ पर क्या हो गए, बस गए। जैसे अभी से 10 से 12 वर्ष पीछे आइए, तो ये जो बंगाल था आपका, बांग्लादेश है, वहां से कुछ शरणार्थी लोग, मतलब कुछ सताए हुए लोग आए और अपने ही चंपारण भूमि में आकर वो बस गए, ठीक है ना। तो चंपारण का इतिहास बहुत पुराना है, युगों युगों से लोग चंपारण की भूमि में आते हैं और क्या होते हैं, बस जाते हैं और यहाँ पे एक पारिवारिक संबंध स्थापित करते हैं, जिसे हम लोग क्रिमियाई प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देख सकते चंपारण का इतिहास, तो चंपारण का इतिहास क्या है, बहुत पुराना है। यहाँ पर कर्नाटक वंश का जो राजा था नान्यदेव, वो लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर राज किया था। उसके अलावा बहुत लोग, बहुत राजा और जाए यहां पर बस गए। जैसे अभी से 10 से 12 वर्ष पहले बांग्लादेश के कुछ सताए हुए लोग यहां पर आए और चंपारण भूमि में क्या हो गए, बस गए। मतलब ये पूर्वी चंपारण के शरणार्थी कहे जाते हैं, कि पूर्वी चंपारण मतलब पूर्वी बंगाल के शरणार्थी कहे जाते हैं। मतलब बांग्लादेश से आए और चंपारण में क्या हो गए, आश्रय लिए। इसी कारण से इनको पूर्वी बंगाल का शरणार्थी कहते हैं। मतलब 10 से 12 वर्ष पहले की अभी से घटना है, ठीक है ना। आकर क्या हो गए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बस गए। तो चंपारण का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ पर लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आए, राज की अपना पारिवारिक संबंध स्थापित किए, जिसे हम लोग क्रिमियाई प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई क्रिमियाई प्रक्रिया। अब देखो, दूसरी पॉइंट है, चंपारण से जंगलों की कटाई, मतलब वनों की कटाई और गंडक नदी में उफान। देखो, चंपारण में क्या था ना, जो गंडक था उसके चारों ओर एकदम घना वृक्ष रहता था, पूरा का पूरा जंगल टाइप का। अब जिससे गंडक अपने आप को समझती थी कि ये जो वृक्ष है ना, ये जो वृक्ष है ये मेरा क्या
कपड़ा है इसी से मेरा शरीर ढका हुआ है। लेकिन अंग्रेज लोग जब नील खेती की स्टार्ट किए, मतलब नील की खेती करवाना वहां पर स्टार्ट किए, तब सारे वृक्षों को सारे वनों को काटना स्टार्ट किए, धड़धड़ सारे वनों को क्या किए, वो कटवाना स्टार्ट कर दिए। अब जब सारा वन कट गया तब गंडक नदी समझने लगी कि अब तो मैं नंगा हो गया। अब वो अपने इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, हर साल वहां पर एकदम उफान लाती है, मतलब उफान का मतलब बाढ़ लाती है चंपारण में। देखो कहने का मतलब, जब तक वहां पर वन था, जब तक पेड़ पौधे थे वहाँ पर चंपारण में, तब तक वहाँ पर बाढ़ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को सोखने का काम करता, पेड़ पौधे तो है नहीं, तो बाढ़ तो आना निश्चित है। तो वही कहते हैं कि चंपारण नदी जो वन था, वन का जैसे ही कटाई हो गया, और नील की खेती के लिए अंग्रेज नील की खेती के लिए जैसे ही वनों की कटाई किए, तब वहाँ गंडक नदी समझने लगी कि मैं अब नंगा हो गया हूँ, मैं निर्वस्त्र हो गया हूँ, मेरे वस्त्र को क्या किए हैं इन चंपारण वासियों ने, खींच लिया, छीन लिया है। इसी कारण से गंडक नदी हमेशा मतलब जैसे लगता है एकदम खिसियाई है, पूरा का पूरा हर साल बाढ़ आता है चंपारण में एकदम फिक्स है। क्यों आती है? क्योंकि चंपारण में जो गंडक नदी है वो सोचती है कि मैं निर्वस्त हो गया हूँ, इसी कारण से वो गुस्से में हमेशा बाढ़ लाते रहती है, ठीक है ना। तीसरी बात है, चंपारण से वनों को काटकर नीलहे गोरे द्वारा नील की खेती करना। अब चंपारण में क्या हुआ कि वनों को काटना स्टार्ट किया गया, वनों को धड़धड़ एकदम काट दिया गया पूरा का पूरा, और वहां पर नील की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया गया। कुछ बिहारियों से कुछ भारतीयों को बुलाकर नील की खेती करवाया गया, और साथ में देखी जाए तो धांगड़ जो छोटा नागपुर के लोग हैं, मजदूर हैं। धांगड़ क्या होता है, एक इसका अर्थ होता है, मतलब एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। तो धांगड़ लोगों को छोटा नागपुर से बुलाया गया, मतलब भारे का मजदूर बुलाया गया। पूछता भी है धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, तो धांगड़ का अर्थ होता है भारी का मजदूर, जो छोटा नागपुर से बुलाया गया था, ठीक है ना। तो धांगड़ मतलब भारी के मजदूर के रूप में क्या किया गया, छोटा नागपुर से कुछ लोगों को बुलाया गया, क्या नील की खेती कराने के लिए, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए। और साथ में देखी जाए तो ये चंपारण भूमि है, यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग आकर बसते, जैसे थारुओं की कला देख सकते हैं। राजस्थान के भी कुछ लोग जो है ना, थारुओं की कला का मतलब क्या होगा, राजस्थान से कुछ लोग आए और अपनी कला के कारण बहुत फेमस हो गए। जैसे इसमें बताया गया है कि जब थारू लोग यहाँ पर आए चंपारण में, तो अपने पति के लिए कपाड़ पर क्या करते थे, जैसे एक टोकरी रख लेंगे एकदम पूरा का पूरा मुरेठा, जिसको हम अपने भाषा में रख कर उस पर खाना ले लेंगे, और खाना लेकर अपने पति के लिए क्या करते थे, निकल पड़ते थे। तो ये जो शोभा थी, यह देखनीय दृश्य जो थी, बहुत मतलब महक है और बहुत आकर्षणीय थी। लेखक कहते हैं कि ये थारू जाति के जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, तरह तरह की कलाएँ जानते हैं। अब मान लो खेत उतकोड़ने का, तो खेत सोहने का, चाहे खेत उतकोड़ने का या जैसे लोहार से संबंधित होगा पुर्पी बनाने का, ये सब क्या थारू जाति के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इन्हें तरह तरह की कलाएं आती थी। तो पूछता भी है थारू जाति के लोग, थारू कलाओं का मतलब क्या, देखो क्वेश्चन होगा शायद, हाँ थारुओं की कला क्या है, तो देखो थारुओं की कला मतलब थारू जो लोग थे वो समझते थे कि, वो कहते थे कि मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं राजस्थान से आकर यहाँ पर बसा हूँ, मैं अपनी कला को क्या करना चाहता हूँ, बिखेरना चाहता हूँ। इनके पास तरह तरह की कलाएं थी। जब उनका पति काम पर चला जाता था खेत गृहस्थी में या कहीं भी, तो वो क्या करते थे, कपार पर एक टोकरी रख लेते थे, मतलब मुरेठा बांध लेते थे समझिए, और उस पर खाना रख कर एकदम मचकते मचकते चलने लगते थे लोग। तो कहने का मतलब है थारू जाति के जो लोग थे वो क्या करते थे, तरह तरह की कलाएं जानते थे, खेत जोतने से लेकर खेत कोड़ने से लेकर सोहने से लेकर हथियार बनाने से लेकर तरह तरह की उन्हें कलाएं आती रहती थी। तो नीलहे गोरे साहब क्या किए, छोटा नागपुर से तरह तरह के भारे का मजदूर बुलाए नील की खेती करवाने के लिए, और जनता पर पूरा का पूरा शोषण करने लगे। मतलब क्या ना कि मान लो कि आप देखे होंगे तीन कठिया मजदूर सुने हैं ना, कि तीन कठिया मजदूर का नाम सुने होंगे। देखो तीन कठिया का मतलब हो गया 20 कठा खेती अंग्रेज करवाते थे, जहाँ में 3 कठा देते थे किसका, भारत लोगों को, वहाँ के लोगों को, और 17 कठा अपने साला हड़प लेता था। तो कहने का मतलब है बाबू कि अंग्रेज हम लोग का बड़ी शोषण करते थे, नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे, मतलब जबरदस्ती करना है तो करना है, नहीं करवाते एकदम मतलब जबरदस्ती करते ही थे पूरी तरह से। तो वो तिरकठिया प्रथा लागू हो गया था कि 20 यदि आपका 20 कट्ठा खेत है तो आपको 3 कट्ठा ही दिए जाएंगे, 17 कट्ठा अंग्रेज सरकार के पास चली जाएगी। ये नील की खेती थी। उसके बाद देखिए वहाँ पर तरह तरह के लोग आए, धांगड़ जाति के लोग आए। धांगड़ का मतलब क्या होगा, ये छोटा नागपुर का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। थारू जाति के भी लोग आए यहाँ पर आए, मतलब वो अपनी कलाओं के कारण फेमस हो गए। उसके बाद चंपारण में गांधी जी का भी आक्रमण हुआ। आप सुनेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो लागू हुआ था, ठीक है ना, जो जिसकी मार्च निकाली गई थी। तो गांधी जी भी चंपारण भूमि पर आए थे, पहली बार सबसे पहले वहीं पर आए गांधी जी चंपारण में आए, और वहाँ की गरीबी को, वहाँ के अत्याचार को देखकर उन्होंने वहाँ पर तीन जगह में विद्यालय स्थापित किए।
मितिहरवा, बरहरवा और मधुबन, तीन जगह उन्होंने विद्यालय क्या किया स्थापित किए, जिसमें मितिहरवा के पास पुंडलिक जी जो थे ना वो शिक्षक थे। अब पुंडलिक जी कौन थे, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टीचर थे, क्या शिक्षक थे, मितिहरवा का शिक्षक थे। देखो पुंडलिक जी भी दो तीन बातें गांधी जी से सीखे थे। गांधी जी का कहना था कि जब तक कोई घटना घट रही है, मान लो दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो तब तक उसमें मत जाओ जब तक आंखों से नहीं देखा हो। और दूसरी बात है, कभी हमें किसी से डरनी नहीं चाहिए, मतलब निर्भीकता की बातें क्यों सीखे थे, किन से, गांधी जी से। गांधी जी से ये दो बातें कौन सीखे थे, पुंडलिक जी सीखे थे, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चंपारण में, मतलब चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ, गांधी जी वहां पर आए, निलेह गुरु के अत्याचार को देखे, उनके अत्याचार को देखते हुए इन्होंने आवाज उठाई, सत्याग्रह आंदोलन किए। अब अंग्रेज का पसीना छूटना स्टार्ट हो गया, तब अंग्रेज क्या किए, जनता पर और अत्याचार करने लगे। देखो अंग्रेज जो थे ना, भारतीय जनता पर इतना ज्यादा अत्याचार करते थे ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए कि शादी ब्याह भी है आपके घर में, तो आपको अंग्रेज को नजराना देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, उसको खुश करना पड़ता था। आ नहीं तो क्या करेंगे, आप बेहोशो है ना, हॉस्पिटल में भर्ती है ना, तो उठा कर ले जाएंगे जेल में, बंद करके एकदम डंटा से लेकर कूचने लगेंगे, हथौड़ा से पीटने लगेंगे, नाखून उखाड़ने लगेंगे, निहत्थे मारने लगते थे लोग उनको। अगर मान ले कि गोरे साहब का, मतलब अंग्रेज साहब का तबियत खराब हो गया, तभी हमें क्या करना पड़ता था, नजराना देना पड़ता था, पैसा उसे देना पड़ता था उनके इलाज के लिए। हम लोग मर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा, यहाँ तो तीन कथिया प्रथा, मतलब समझे ना, 20 कथा में 3 कथा आपको दिए जाएंगे, 17 कथा सरकार को जाएगी, और यहां उसके बाद भी वो लोग हमारा शोषण करते थे। उनका तबियत खराब है तो पैसा हमें भरना है, शादी ब्याह हमारे घर में है तो पैसा फिर भी उनको भरना है, उनको खुश करना है। हर तरह से जो था ना, अंग्रेज हम लोग का शोषण करते थे। और देखिए हम लोग को गरीब बनाकर वो कहा चले, एक समय भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन यहाँ की राजा बड़े चालाक थे ना, उनकी चालाकी की वजह से हम लोग आज सोने की चिड़िया, खोखला देश हो गया ये। देखो बाबू, हम लोगों का जो देश है, यहाँ पर अंग्रेज आए, बहुत ज्यादा अत्याचार किए। तो हम देश की बात नहीं कर रहे, अभी चंपारण भूमि की हम लोग बात कर रहे थे। तो चंपारण में गांधी जी आए, उनका आगमन हुआ, गोरे नीले साहब के अत्याचार को देखकर उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन लागू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, चंपारण में देखेंगे शिक्षा की कमी है, यहाँ के बच्चे विकसित नहीं है, तो उन यहाँ के बच्चों को विकसित करने के लिए वो तीन जगह मधुबन, मितिहरवा और बरहरवा, तीन जगह उन्होंने विद्यालय स्थापित किए, जिसमें मितिहरवा में पुंडलिक जी शिक्षक थे। मतलब इन तीनों विद्यालयों में तरह तरह के, मतलब अलग अलग राज्य से शिक्षक बुलाए गए थे, ताकि वो आए और बच्चे के अंदर निर्भीकता पैदा करे। निर्भीकता का मतलब वैसा बच्चों को शिक्षा दी जाए जो आगे चलकर वो अपने देश के लिए काम में ला सके, अपने परिवार को बदल सके। गांधी जी बढ़िया शिक्षा चाहे आदर्श शिक्षा किसे मानते थे, तो गांधी जी ये नहीं कहते थे कि बाबू रटो रटो रटो, नहीं, गांधी जी कहते थे कि ध्यान से पढ़ो, समझो चीज़ों को बारीकी से, समझो कि कहने का मतलब क्या। ऐसी जब शिक्षा लोगे ना, तो ये तुम्हारे हमेशा काम आएगी, ये जो है ना तुमको क्या करेगी, पूरी तरह से विकसित करेगी। ऐसे ऐसे शिक्षा को गांधी जी आदर्श मानते थे। और अंग्रेज के जमाने में क्या होता, जो स्कूल था उसमें क्या होता था, अंग्रेजी के बारे में खाली पढ़ाया जाता था पूरा, कि तुमको क्या करना, अंग्रेजी का गुलामी करना है, तुमको क्रांतिकारी नहीं बनना है, अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा नहीं, यही सब सिखाया जाता था। इसी कारण से गांधी जी ने तीन विद्यालय तीन जगह स्थापित कर दिए, ताकि यहाँ के बच्चे को वैसी शिक्षा नहीं दी जाएंगी। यहाँ के बच्चे क्या होंगे, सही तरीके सीखेंगे, सही रहन सहन सीखेंगे, और क्या करेंगे, बड़े होने के बाद अपने शिक्षा का अपने देश के विकास में, अपने समाज के विकास में, अपने गांव के विकास में प्रयोग करेंगे। तो गांधी जी इसे ही क्या करते हैं, आदर्श शिक्षा कहते हैं, बढ़िया शिक्षा कहते हैं। 10वीं में भी पढ़े होंगे कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो उसमें आंसर था अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलो, तो समझ में आ गई, गांधी जी तीन जगह विद्यालय स्थापित किए थे, कौन कौन जगह, बरहरवा, मितिहरवा और एक और था आपका मधुबन। तो तीन जगह गांधी जी क्या किए थे, विद्यालय स्थापित किए थे। अब देखो पुंडलिक जी की बात कर रहे थे, तो मितिहरवा में ये शिक्षक थे। अब एक बार की बात क्या है कि निलेह गोरे साहब का ये मतलब एक नियम था कि जो भी, जब भी निलेह गोरे साहब आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो उनके लगाम, घोड़े के लगाम को पकड़ना। तो स्कूल में पुंडलिक जी आराम से बैठे हुए थे, तब तक बाहर से इंफॉर्मेशन आता है कि पुंडलिक जी बाहर, अंग्रेज निलेह गोरे साहब आ रहे हैं, उनकी लगाम को पकड़ने के लिए बाहर निकलिए। अब पुंडलिक जी कहते हैं कि जाओ उसको भेज दो, उनका बड़का कलेक्टर या लाट साहब है का। जब ये बात सुनता है वो गोरे साहब, तो बड़ा बिखियाता है और वहाँ से उनको हटवा देता है उस स्कूल से। तो पुंडलिक जी हट जाते हैं, हालांकि साल भर दो साल के बाद वहाँ पर आते रहते हैं। कहाँ पर, चंपारण भूमि में कौन आते रहते हैं, पुंडलिक जी। अब जब पुंडलिक जी आए थे तो संयोग से लेखक की भेंट हो गई, कौन कौन, जगदीश चंद्र माथुर की भेंट हो गई, क्योंकि एक यात्रा स्मरण भी कह सकते हैं, निबंध तो यात्रा स्मरण भी कह सकते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर की किन से, पुंडलिक जी से भेंट हो जाती है।
अब पुंडलिक जी जो है ना गांधी जी की दो बातें बताते हैं, गांधी जी से दो चीजें कौन कौन सीखी हैं। तो गांधी जी की जो दो सीख, जो दो सबसे बड़ी सीख थी, गांधी जी की जो सबसे बड़ी दो सीख थी वो बातें बताते हैं कि कभी भी दो व्यक्ति यदि झगड़ा करे तो हमें बीच में नहीं आनी चाहिए। क्यों? बीच में तभी आओ जब उस घटना को तुमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा होगा तभी आओ, अन्यथा उस झगड़े में मत पड़ो। और दूसरी निर्भीकता की हमें कभी डरनी नहीं चाहिए, मतलब निर्भीकता के बारे में गांधी जी से पुंडलिक जी सीखे थे। तो दो बातें किनको बताते हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी को बताते हैं। आगे गांधी जी की दो सबसे बड़ी सीख समझ गए। आगे यहाँ पर गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं अंग्रेजों ने दिखाई? देखो अंग्रेज जानते थे कि अगर गंगा पर पुल बन जाएगा तो यहाँ के क्रांतिकारी इधर आएंगे, इधर क्रांतिकारी उधर जाएंगे, जिससे अंग्रेजों को क्या बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, विद्रोह कर देंगे लोग, यहाँ की जनता विद्रोह कर देगा, जिसके कारण से अंग्रेजों को यहाँ पर बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। इसी कारण से अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं जताई। अगर पुल बन गया तो यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, जिससे क्रांतिकारी में और आग फूक दी जाएगी, मतलब और क्रांतिकारी जो ना अपना भयंकर रूप ले लगा। यही सब सोचकर जो अंग्रेज थे, जो गोरे साहब थे, वो क्या किए, गंगा पर पुल बनाने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, अब आगे है कि नारायण का रूपक। अब देखो गंडक नदी, लेखक कहते हैं कि जो गंडक नदी है वो क्या करती है, हर साल बाढ़ तूफान लाते रहती है। अब यही सोचकर सरकार क्या है कि गंडक नदी के किनारे पर नहर बनवा रही है, इतना मतलब बंजर नहर बनवा रही है सरकार, कि चाहे गंडक कितना भी जोर क्यों ना लगा ले वो टूटने वाला नहीं है। और जो नहर बन रहा है वो नारायण मतलब भगवान विष्णु के रूप के समान है। देखो ये कहाँ बन रहा है, तो ये आपका भैंसा लोटन में बन रहा है, गंडक के किनारे नहर का निर्माण हो रहा है। अब भैंसा लोटन का नाम सुने आप, गज और ग्रह की लड़ाई का नाम सुने होंगे, गज और ग्रह मतलब हाथी और मगरमच्छ, मतलब भैंसा लोटन से ही क्या हुआ था, युद्ध आरंभ हुआ था गज और ग्रह का, मतलब हाथी और मगरमच्छ का युद्ध आरंभ हुआ था, और वहां से युद्ध होते हुए पटना से होते हुए सोनपुर हुए जाके सोनपुर के हरिहर मेला में युद्ध समाप्त हुआ था। वहां पर क्या हुआ था, हाथी जब हारने लगा मगरमच्छ से, तब भगवान विष्णु क्या किए, हरियर में अपना अवतार लिए, प्रकट हुए और उस ग्रह को मतलब उस मगरमच्छ को क्या किया, अपने चक्र से काट दिए। तो ये जो वैसा लोटन है ये चंपारण की भूमि में ही पड़ता है, वहीं से युद्ध आरंभ हुआ था, वहीं से किसका, गज और ग्रह का युद्ध आरंभ हुआ, और वहां से होते हुए युद्ध होते हुए सोनपुर पटना होते पटना सोनपुर होते हुए हरिहर मेला में वो युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज भी जाएंगे पटना, कभी जाएगा पटना नहीं, कभी सोनपुर आकर देखेगा हरिहर मेला में गज और ग्रह का मूर्ति वहां पर प्रतिमान है, विद्यमान है। ठीक है ना, तो वैसा लोटन कहाँ पड़ता है, वहीं पर पड़ता है। अब वैसा लोटन में नहर का निर्माण हो रहा है, ताकि गंडक कितनों नाक रगड़ लेगी ना तो वो क्या होगी, उस नहर को तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसका नींव बहुत मजबूत है। तो वही कहते हे सदा नीरा, हे महागंडकनी, हे गंडक नदी, तुम कब कि चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, इस बार तुम इस नहर को तोड़ नहीं सकती हो। तुम्हारे किनारे पर जो भी चीज़ आती है तुम उसको निगल जाती हो, उसे तोड़ फोड़ देती हो, लेकिन अब तुम उसको तोड़ नहीं सकती हो। यानी उस किनारे को नारायण का रूपक कहा जाता है। किनको? नारायण को नारायण का रूपक कहा जाता है। लेखक कहते हैं ये क्या जो नहर बन रही है, जो किनारा बन रही है, ये नारायण का रूपक है। और इसमें एक और बात आ रही है कि सौंग रूपक क्या है, ये सौंग रूपक के रूपक क्या है। तो मान लो किसी भी अवस्था का अनुकरण कर, हम लोग नाट्य कहते हैं। अब जैसे फिल्म हो गया, फिल्म में क्या एक नाटक है। अब मान लो मेरी अवस्था है, मेरी कहानी है, अब मेरी अवस्था को आप दर्शा दिए, वो क्या बन गया, एक फिल्म बन गया, नाटक बन गया। तो किसी भी अवस्था को दिखा देना वो नाट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नाट्य कहलाता है। और किसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति जिसका अनुसरण करता है वह नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नृत्य। नृत्य का मतलब समझते हैं, डांस। नाट्य का मतलब व्यवस्था को, उसकी अवस्था को दिखाना, वो नाट्य कहलाता है, मतलब नाटक कहलाता है। लेकिन जब किसी भाव को प्रदर्शित करना हो तब उसके लिए जो हम लोग तरीका यूज करते हैं वह नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। और उसके साथ ही अगर उसमें अभिनय पेश कर दिया जाए, मतलब डांस भी कर रहे हैं उसमें, आप गाना भी गा रहे हैं, मतलब देखो साथ ही उसमें अभिनय, कहने का मतलब है अब आप किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। मान लो कि डांस ही करना है, अब मान लो कोई गाना बज रहा है, अब डांस आप ऐसे हिलने डुलने थोड़ी लगेगा एकदम करने, तो ये तो डांस नहीं हुआ भाई ना। डांस का मतलब, नृत्य का मतलब क्या होगा? देखो नृत्य का मतलब हो गया कि भाव को भी प्रकट करना है, अपने अभिनय को भी दिखाना है। गाने के अनुसार आपको डांस करना, कहाँ कैसे कमर हिलाना है, कैसे क्या करना, फलाना ठेका, सारी बातों को देखनी पड़ती है ना। तो वही कहते हैं अगर किसी की अवस्था को दिखाते हैं तो वो नाट्य कहलाएगा, लेकिन किसी भाव को प्रदर्शित कर रहे तो वो नृत्य कहलाएगा। लेकिन जब अपने उसमें अभिनय दिखा दिए जाएंगे, अपनी भूमिका दिखा दिए जाएंगे, तो उसे लोग क्या कहते हैं? तमाशा या नृत्य कहते हैं। और देखो तमाशा या नकल कहते हैं, मतलब कॉपी कहते हैं, कॉपी कर रहा है, ठीक है ना।
क्या कहते हैं कॉपी करते हैं। मतलब देखो मान लो कोई नाटक कर रहा है, अभी हीरोइन कौन नाच रहे, देखते हैं हीरो एकदम जाके भीड़ से क्या करता है नाचने लगता है सब, तो वहां पर भाव तो प्रकट की जा रही है, अब वहां पर अभिनय भी दिखाई जा रही है, तो वो तमाशा या नकल कहा जा सकता है। अब लेखक कहते हैं कि नृत्य और ये तमाशा दोनों के बीच गाना बजा दीजिए, संगीत बना दीजिए, बजा दीजिए, तो उसे ही हम लोग सॉन्ग रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉन्ग रूपक। एक बार इस बात को ध्यान से समझिएगा, बच्चे को यही नहीं समझ में आती सॉन्ग रूपक क्या है। देखो नाटक किसे कहेंगे, किसी की भी अवस्था को दिखा देना, मेरी अवस्था को दिखा देना, बिहार सरकार की अवस्था को दिखा देना, फलाना ठिकाना जिसकी आपकी भी कहानी है उसको फिल्म के रूप में दिखा देना, वो एक नाटक है। लेकिन किसी भाव को प्रकट करने के लिए जो अनुकरण करेंगे, जो रास्ता अपनाएंगे, वह आपका कहलाएगा नृत्य कहलाएगा, और उसमें अपनी भूमिका अदा कर देंगे, अपने अभिनय को दिखा देंगे, तो वह कहलाएगा नकल या तमाशा। और नृत्य और नकल या तमाशा के बीच हम लोग गाने डाल देंगे, सॉन्ग डाल देंगे, तो वही कहलाता है सॉन्ग रूपक। समझ गए होंगे सॉन्ग रूपक। अब देखो चौर और मन की बात करते हैं, चौर और मन भी समझ जाते हैं इसमें चैप्टर में बात है कि चौर और मन क्या है। तो चौर और मन जो गंडक नदी है उसके दोनों किनारों को क्या कहते हैं हम लोग, चौर और मन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चौर और मन कभी उथले कभी पुतले, कभी उथले कभी पुतले होते हैं, कभी उठते हैं कभी नीचे, कभी गिरते हैं, ठीक है ना। तो चौर और मन की हम लोग बात कर लेते हैं, चौर और मन क्या है। तो चौर और मन गंडक के दोनों किनारों को, दोनों टालों को हम लोग क्या कहते हैं, चौर और मन के नाम से जानते हैं। अब देखो जो चौर होता है, उसमें पानी जो होता है ना जारो और गर्मियों में कम हो जाता है, और जो मन होता है वो गहरे ताल होता है, गहरे मतलब मन जो होता है विशाल और गहरे ताल होता है। मन का अर्थ तत्वों को तोड़कर दूसरी पथ को अपनाना है। अब थोड़ा सा विस्तार से चौर और मन के बारे में जानते हैं। गंडक के दोनों तत्वों पर जो ताल होता है उसी को चौर और मन कहते हैं, ताल उथले पुथले होते हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए चौर क्या होता है, तो चौर का मतलब क्या होगा, ये ठंडी के दिन में चाहे गर्मी के दिन में इनका पानी मतलब चौर क्या होता है, कम हो जाता है, पानी कम होने लगता है, चौर का मतलब ये हो गया। लेकिन मन जो होता है ना विशाल और भयंकर होता है। जैसे मान लो कि गर्मी के बारूद के मौसम में देखते एकदम जो होती है नदियाँ एकदम अपना अवस्था तोड़ के अपना पथ चेंज करके पूरे गांव को धा देती है। जैसे अभी पूरा क्या हो रहा है, हर जगह देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देखी जा रही है कि वहाँ पानी क्या हो रहा है, बहते जा रहा है, लोग दहते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है अपनी अवस्था को तोड़ देना, अपनी सीमा को तोड़कर दूसरे पथ का अनुसरण करना, ये क्या कहलाता है, मन कहलाता है। तो चौर और मन का मतलब हो गया गंडक नदी के दोनों किनारों पर जो ताल है उसी को चौर और मन कहते हैं। चौर का मतलब हो गया कि गर्मी और ठंडी में पानी कम हो जाना, और मन का मतलब होता है विशाल और गंभीर होता है, यह अपनी सीमा को तोड़कर दूसरे रास्ते को अपना लेती है, जैसे कि बाढ़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुख्य बातें आप समझ गए होंगे। एक बार और मोटा मोटी मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ। तो चंपारण के इतिहास मतलब समझ गए ना, यहाँ पर तरह तरह के लोग आए, बस के अपना पारिवारिक संबंध स्थापित किए, जिसे हम लोग क्रिमियाई प्रक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, लगभग यहाँ पर 300 वर्ष तक कर्नाटक वर्ष के जो राजा थे वो नान्यदेव वो यहाँ पर बसे रहे। इसके अलावा बहुत लोग आए यहाँ पर, क्या हो गए कि मतलब यहाँ पर आए बस गए, और बसने के बाद अपना पारिवारिक संबंध स्थापित किए, जिसे क्रिमियाई प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अभी 10-12 वर्ष पहले जाइए तो वहाँ क्या होगी, बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी आए और यहाँ पर चंपारण भूमि में बस गए। इसका मतलब चंपारण का इतिहास बहुत पुराना है। चंपारण से वनों की कटाई अंग्रेज करना स्टार्ट किया, जिसके कारण से ये गंडक नदी अपने आप को क्या करी, समझने लगी कि मैं निर्वस्त हो चुका हूँ, जिसके कारण हमेशा वहाँ पर बाढ़ आती रहती है। लेकिन सरकार इसकी भी व्यवस्था कर दिए, अब वहाँ पर नारायण का रूपक रच रही है, मतलब जो नहर बन रहा है वो नारायण का रूप दिखाई दे रहा है। इसी कारण से लेखक कहते हैं, हे गंडक हे सदा नीरा तुम अब क्या करोगी, अब तो वहाँ पर विष्णु जी स्वयं प्रकट हो रहे हैं, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितना रगड़ना हो रगड़ लो, लेकिन अब तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। धामगढ़ समझ में आ गई, थारुओं की कला, वहाँ पर चंपारण में गांधी जी आया, चंपारण सत्याग्रह लागू हुआ, पुंडलिक जी, ये सारी बातें आपको मेरे अनुमान से सब पूरा समझ, भैसा लोटन का मतलब यहीं से गज और ग्रह का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो सारी बातें मेरे को लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।